पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के वेस्कुलर सर्जन के वरिष्ठ टेंट और प्रभारी कपिल गुप्ता ने कहा, हेमोडायलिसिस कराने वाले क्रोनिक रीनल फेलियर वाले कई रोगियों में ऑटो रिवर्जन फिस्टुला बनाने की आवश्यकता होती है, जो उनके रक्त को छीनने में अहम भूमिका निभाते हैं। रीनल फ्लोर से पीड़ित 48 वर्षीय फैराज अहमद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्हें मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में तत्काल हेमोडायलिसिस की आवश्यकता थी। उनकी हालत इतनी गंभीर थी, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पूरी जांच कराने पर पता चला कि एबी फिस्टुला बनाने के लिए मरीज की नसें बहुत खराब थी। मामला जटिल होने के बावजूद टीम ने एक एबी फिस्टुला बनाने का फैसला किया, जो उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए आवश्यक था। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में सर्जनों की ऐसी टीम है जिसे निदान, उपचार, धमनी का पूर्ण निर्माण, सर्जरी और एंडोवैस्कुलर तकनीकों सहित सभी प्रकार के वैस्कुलर रोगों से पीड़ित रोगियों का हर प्रकार से इलाज कराने का अत्यधिक अनुभव है। उनके उन्नत तकनीकों का ज्ञान और कौशल के साथ रोगियों को उनकी आवश्यकता अनुसार व्यापक देखभाल प्रदान की जाती है। समय पर रोग की पहचान और इलाज करने से धमनी से संबंधित रोगियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है और वैस्कुलर प्रक्रियाओं में हो रही प्रगति समय के साथ और बेहतर हो रही है। शहरी क्षेत्रों में खान पान की गलत आदतें और निष्क्रिय जीवन शैली का चलन काफी बढ़ रहा है, जिसके कारण धमनियों के संबंधित रोगों वाले रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरिफेरल आर्टेरियल रोगी, डिप बैन, डीवीटी और पैदा करने वाले अन्य रोगों का समय पर निदान और इलाज से रोगी बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। जो की यंग है, 25 साल के हैं। उनको 6 महीने पहले पैरों का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पैरों के अंदर घुटना पूरा टूट गया था, नसों की चोट लग गई थी, जिसको फिर हमने ठीक करा। अब वो अपने पैर पे चल सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी का सफर कर सकते हैं। अगर इमीडिएट इलाज होगा तो पैर काटने की संभावना आ जाती है। तो हमारा मकसद है कि आपको हम जानकारी उपलब्ध कराएं और एक जागरूकता क्रिएट करें कि हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। टाइम इलाज मिले तो नशे ठीक करें तो हम पैर बीमारी से बचा सकते हैं। काशिफ का तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, अदरवाइज अक्सर बीमारी की जो नसों की बीमारी आती हैं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने की वजह से होती हैं, जिनमें स्मोकिंग करने से, डायबिटीज़ होने से, ब्लड प्रेशर हाई होने से, ज़्यादा चर्बी होने से ये बीमारियों की दिक्कत आती है। और आजकल इन चीज़ों का इलाज संभव है बिना किसी चीरे के, एंजियोप्लास्टी के रास्ते, बलूनी के रास्ते, और अगर नसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। पर हाँ, अगर हम नसों को, बीमारियों को टाइमली पता कर लें और बीमारी मरीज को जानकारी हो तो हम 90% से ज़्यादा मरीजों को हम बचा सकते हैं।